मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि बारिश जो है, हालांकि ये अभी बेमौसम की बारिश है, लेकिन जिस तरह से पहली बारिश ये हुई है और कई जगह से मुमरा कौसा की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि लोगों के घरों में पानी भर गया, नालों की साफ सफाई ना होने की वजह से। ये नाला देखेंगे आप कि किस तरह से ये अमृत नगर के गेट के सामने, ये दारुल फला मस्जिद आप देख रहे हैं, यही नाला दारुल फला मस्जिद के तरफ से और सीधा देखेंगे आप कि अमृत नगर होते हुए ये आगे मित्तल की तरफ गया है। लेकिन ये नाला जो है पूरा कचरों से जो है ये जाम एकदम भरा हुआ है, साफ़ सफाई इसकी नहीं की गई है। हालांकि बता दें आपको बारिश का महीना भी अब नज़दीक है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इन नालों की साफ़ सफाई जो है क्यों नहीं की जा रही, आखिर क्या वजह है कि नालों की साफ़ सफाई नहीं की जा रही है। वजह क्या ही हो सकती है, प्रशासन का इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। 2 साल से महापालिका डिसॉल्व है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ज़्यादा उनके साथ बहस करने वाला, लड़ने वाला नहीं है शहर के लिए, तो वो लोग कर रहे अपनी मनमानी कर रहे, भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है। सिंपल सी वजह ये है कि करप्ट है महानगर पालिका का फेलियर है ये बहुत बड़ा। पिछले साल भी मैं आप लोगों के साथ इस मुद्दे पर बात की थी, अगर आपको याद होगा, कि उसके बाद महापालिका को जाग आई थी, होश आया था, तो उन्होंने काम चालू करवाया था। पर बार बार आपको क्यों ये बोलना पड़ रहा है, ये आपकी महानगर पालिका की रूल बुक में साफ साफ लिखा है कि साल में 2 बार होना चाहिए कंपलसरी, पर चलो आप साल में 1 बार करते हो। इवन दो आपका इतना बड़ा बजट है, था अभी फ़िलहाल हमारा बजट 5025 कोटी का बजट है हमारा ये साल का, नवी मुंबई से ज़्यादा बजट है हमारा, जबकि नवी मुंबई इतनी क्लीनेस्ट सिटी है, वो अपना लगाते होंगे बजट सिटी में। हमारे यहाँ पे थाने महानगर पालिका का बजट करप्शन में जा रहा है, शायद से करप्ट हो रहा है, इसलिए ज़मीन पे दिख नहीं रहा है। सिंपल सी बात है, थाने की बहुत सारी जगह पे, अलग अलग जगहों पे काम चालू हुआ है। मुमरा के लोग थाने कर में नहीं आ रहे क्या? मुमरा कौसा के लोग थाने कर में नहीं आ रहे क्योंकि मुमरा कौसा के 12 बड़े बड़े नाले, 10-12 जो भी नाले हैं बड़े, वैसे के वैसे ही मैं आपको जाके दिखा सकती हूँ पूरे नाले। कहाँ है आपकी मैन पावर, मशीनरी, JCB, डंपर, ये वो, आपका तामझाम चालू कर देना चाहिए था आपको 2 महीना पहले एक्चुअली होना चाहिए ये सारा काम, क्योंकि चलो मैन्युअली मशीनरी मिला करके ये काम होता है, तो आप 2 महीना पहले अप्रैल में चालू होना चाहिए। पिछले 2 साल से ये अप्रैल में नहीं चालू हो रहा है, उसके पहले नहीं तो काम हो रहा था, अप्रैल में चालू होता था काम। अभी 2 साल से जब से महापालिका बंद है, प्रशासन के हाथ में है, प्रशासन कैपेबल बोलती है, हम कैपेबल है, उनकी कैपेबिलिटी आपको दिखाई दे रही है, वैसा के वैसे ही पूरा है। 10 दिन बाकी है बारिश को। मर्जिया क्या लग रहा है आपको कि मनपा ने इसका नालों के साफ सफाई की टेंडर निकाला होगा, किसको टेंडर दिया गया है, वो क्यों नहीं साफ कर रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपने मनपा प्रशासन से लिया? टेंडर के अभी हम लोग जब गए थे 15 दिन पहले पानी और कचरा, मतलब अलग अलग टाइप की समस्या लेके, तो उन्होंने बोला हम ज़रा टेंडर में लेट हो गया, पर टेंडर हमने निकाला है, अभी टेंडर मिल के हो जाएगा साफ, यही बोला। फिर उसके बाद अभी तक कि उनका टेंडर पास हुआ है पर वो अभी तक के फील्ड पे आए नहीं है, तो ये बार बार का क्यों जाके उनको क्वेश्चन करना पड़ रहा है, जब बजट आपके पास है, सारी चीज़ें हैं, जब वहाँ पे काम चालू हो गया थाने में मुमरा कौसा में, क्यों नहीं काम चालू हुआ है? मशीनरी का काम है ये भाई, अभी 10-15 दिन सिर्फ रह गए बारिश को। थाने कर, मुमरा कर, टैक्स भी पे करेगा, फिर उसके बाद आप जो ये बारिश की वजह से जो नुकसान होता है वो भी पे करेगा, तो यानी पब्लिक ओवरऑल नुकसान में ही रहे। आपने कुछ और पत्र व्यवहार किया कि जल्द से जल्द साफ की जाए, क्योंकि बारिश का महीना एकदम समझो करीब है, 10-15 दिन और अगर अभी इस पे एकदम अग्रेसिवली काम चालू नहीं होता है, तो हम जब दुकानदार भी हमारे साथ है, दुकानदार हमको बोल रहे हैं इस पे एक्शन लेने, क्योंकि सबसे पहला उनको प्रॉब्लम हो जाती है, सब दुकानदार, आम जनता सब हमारे साथ है, हम लोग सब साथ में ये कचरा उठा के लेकर जाके महापालिका पे डंप कर देंगे। दुकानदार से भी बात करते हैं थोड़ा सा, देखते क्या कह रहे हैं दुकानदारों को। भाई नाले की साफ़ सफाई को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, अभी तक साफ़ सफाई हुई नहीं और यहाँ पर पानी भी भर जाता है। भाई ये मसला इसका ऐसा, ये तो हर साल का है पानी भरने का, और हर साल तो मई के स्टार्टिंग या मिड ऑफ द मिड तक की साफ सफाई तो हो जाती थी, लेकिन अभी ये साल पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि अभी तक के कुछ भी साफ़ सफाई का दिख नहीं रहा है, होगा भी क्या नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले ही बारिश हुई थी, आप मेरे पास फ़ोटो है चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ, मुश्किल से 15 मिनट बारिश हुई और हमारे दुकान में यहाँ यहाँ तक के पानी भरा हुआ था, 2 दिन पहले का ही है ये।
अब दो दिन पहले जो बारिश हुई स्टॉर्म आया था उसमें तो मनपा प्रशासन की कहीं ना कहीं ये लापरवाही है कि जो अभी तक साफ नहीं कर रही है। 10-15 दिन बचा है बारिश का महीना, बचा कहाँ है, बारिश तो आ गई, अभी भी बारिश हो रही है, बचा ही कहाँ है अभी। अब तक के तो साफ हो जाना चाहिए था और हर साल हो जाता था, लेकिन इस बार पता नहीं क्या दिक्कत है कि अभी तक के साफ सफाई के लिए कोई ना नजर आ रहा है करने के लिए, होगा भी कि नहीं होगा वो भी नहीं पता है, क्योंकि कचरा ऐसा इतनी बुरी तरह से फंस चुका है कि आगे जाने को भी तैयार नहीं है। अब बारिश होती है, पानी ऊपर आता है कचरे के साथ, फिर वापस कचरा वही जगह पर बैठ जाता है। अभी देखो आगे क्या होता है। अभी जैसे कि दुकान वालों ने बताया कि काफ़ी कचरा जाम होने की वजह से उनके दुकानों में भी पानी भर गया था। अभी पहली बारिश हुई थी, अभी तो ठीक से बारिश स्टॉर्म की वजह से हो गई ठीक है, बट अभी भी बारिश जैसा हो रहा है और कभी भी, अभी तो इतना मैनमेड केओस की वजह से कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी मौसम ख़राब हो सकता है, बट जो एक्चुअल बारिश का मौसम जून टू सितंबर है उसके लिए तो तैयारी रखनी चाहिए ना महापालिका। अगर अभी 2-4-5 दिन में नहीं शुरू होता है तो क्या, तो वो मैंने आपको बताया कि अगर इस पर एग्रेसिवली काम नहीं होता है तो लोग इतने गुस्से में हैं, इतना लोग परेशान हैं कि लेके जाएंगे फिर महापालिका में यही कचरा और क्या करें। देखा आपने, मर्जिया पठान का साफ तौर पर कहना है कि ये जो कचरा आप देख रहे हैं नालों में, ये पूरा नाला जो है कचरे से भरा हुआ है और इनका कहना है कि अगर अगले 4-5 दिनों में इन तरह के नालों की, मुमरा कौसा के जो ऐसे तमाम नाले हैं उनके साफ सफाई नहीं की जाती है तो यही कचरा जो है लेकर वो मनपा प्रशासन तक जाएंगे।